नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सुमित और स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग माइंड्स। दोस्तों, आज हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के पार्ट 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने पहले एक ट्रायंगल बना लिया ABC और सबका पॉइंट ले लिया। एक कोऑर्डिनेट X1 Y1 है और बी का कोऑर्डिनेट X2 Y2 है, सी का कोऑर्डिनेट X3 Y3 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया। तो अब दोस्तों, जब हम लोग अब डिस्टेंस निकालेंगे, तो ML का जब डिस्टेंस निकालेंगे, तो आप जैसे ML निकालेंगे तो ML कितना हो जाएगा, X1 माइनस X2। ठीक है, ML का डिस्टेंस X1 माइनस X2 हो जाएगा। और जब आप निकालेंगे LN का डिस्टेंस निकालेंगे, तो LN का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, X3 माइनस X1। ठीक है, और जब आप निकालेंगे MN का डिस्टेंस निकालेंगे, तो MN कितना हो जाएगा निकालेंगे, तो X3 माइनस X2। ठीक है, X3 माइनस X2 यहाँ से निकाल लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेपेजियम बन रहा है इसका, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पेजियम BMLA। ठीक है, BMLA लिख दिए हैं। और फिर प्लस एरिया ऑफ ALNC। ठीक है, एरिया ऑफ, ये भी ट्रेपेजियम ही है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNC है ना, ट्रेपेजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये भी ट्रेपेजियम है BMLA। ठीक है ना, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC। ठीक है, अब जब ये एरिया, तो ये तो पूरा का एरिया निकाले, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMLA। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की इसका निकाल, BMLA निकाल रही है, ये पूरा निकाल रही है इसका, इस वाले पार्ट का पूरा निकाले हैं। और जब हम निकाल रहे हैं ALNC का, तो ये भी है इसमें पूरा है ये। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, तो ये वाला एरिया चाहिए। ठीक, हमको ये वाला एरिया चाहिए, तो हमको ये वाला एरिया इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC। ठीक है, आई बात समझ में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं कि हाफ सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड इनटू हाइट। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो अब जब इस ट्रेपेजियम के लिए निकालेंगे BMLC के लिए, तो साइड क्या हो जाएगी, हाफ तो निकल लिख लेंगे, लेकिन सम ऑफ साइड मतलब कि BM प्लस AL। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी इसके लिए, ML हो जाएगी। ठीक है, ML वाली यही हाइट ना होगी इसके लिए, ऐसे बना रहे हैं तो यही तो हाइट होगी इसके लिए, तो ML हो गया। और ऐसे ही जब आप अगला वाला निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNC के लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ साइड मतलब हाफ सम ऑफ साइड AL प्लस ANC। ठीक है, और हाइट क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर भी हाइट क्या है, LN हो जाएगा, हाइट LN हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जब माइनस कौन सा करना है हमको, ये वाला करना है, तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, MN हो जाएगी। तो माइनस करना है तो हाफ साइड का हो जाएगी CN प्लस BM। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी, MN हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा इधर इसको बढ़ा लेते हैं। तो हाफ तो है ही, ये BM कितना है, BM कितना है हमारा, BM है Y2। BM क्या है, BM ये वाली हाइट क्या हो जाएगी हमारी Y2। और AL कितना है, AL कितना है Y1। अब प्लस माइनस किसको करेंगे, BML कितना है,
एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। अब फिर ये वाला लिखेंगे तो हाफ ए एल निकालेंगे, ए एल कितना है, ए एल, ए एल तो एल वाई वन है, और ए एन सी निकालेंगे तो एन सी क्या है, वाई थ्री है, ठीक है ना। ये हाइट ऐसे ले रहे हैं इसलिए हम लोग एक्स वन वाई वन, क्योंकि वाई की एक्सिस, वाई के एक्सिस तो ले रहे हैं इसको, और एल एन कितना है, एल एन एक्स थ्री माइनस एक्स वन है, ठीक है। अब जब आप माइनस करेंगे इसमें से इसको, इसको पूरा ब्रैकेट में कर देते हैं अच्छे से, और इसको हम ऐसे माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस में जब लेंगे आप तो सी एन कितना है, सी एन, सी एन भी वाई थ्री है, और बी एम कितना है, वाई टू है, और ये जब आप लेंगे एम एन, एम एन कितना है, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ए एन है एम एन। तो अब जैसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाफ तो सब में से बाहर आ जा रहा है, हाफ सब में से बाहर आएगा ना, हाफ सब में से बाहर आएगा, ठीक है। और कुछ कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक काम करेंगे कि एक्स वन जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स वन इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो एक्स वन इसको ले लिए, ठीक है। वाई टू प्लस वाई वन हो गया। अब यहाँ पे एक्स वन माइनस में है तो माइनस एक्स वन ले लिए, और वाई वन प्लस वाई थ्री ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, तो फिर अब वाई वाला ले लें, एक्स टू खोजेंगे। अब एक्स टू कहाँ का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स टू हाँ चलिए माइनस में है तो इसको माइनस में ले लें, चलिए माइनस वाई टू माइनस वाई वन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी जो वाई माइनस में था पहले, हम इसको यहाँ आगे माइनस ना लेकर के हम इसी को माइनस कर दिए, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस में आएगा, इसलिए इसको पहले ले लिए, ठीक है। और अब कहाँ है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ तो माइनस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस वाई थ्री प्लस वाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स थ्री वाले को खोजते हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि छोटा ब्रैकेट दो गो हो गया, तो आप यहाँ पर भी इसको ले लेते हैं, इसको कहाँ हो जाएगा, एक्स थ्री वाला, एक्स थ्री कहाँ कहाँ है, एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स थ्री यहाँ पर एक्स थ्री, तो एक्स थ्री वाई वन प्लस वाई थ्री, और यहाँ पे एक्स थ्री तो माइनस में ही है तो यहाँ पे इसी को माइनस ले लें क्या, ठीक, क्योंकि एक्स थ्री है तो यहाँ पे दोनों माइनस में आएगा तो इसको ही माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। तो वाई थ्री माइनस वाई टू, बात आई समझ में। यहाँ पर भी सिंपल सा करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ब्रैकेट में एक्स वन जब कॉमन लेंगे तो वाई टू प्लस वाई वन माइनस वाई वन प्लस वाई थ्री, ठीक है। और यहाँ पर जब एक्स टू कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा आपको माइनस वाई टू माइनस वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस वाई टू, ठीक है। अब ऐसे ही जब आप एक्स थ्री को ले लेंगे तो एक्स थ्री ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स थ्री तो इसमें मिल ही जा रहा है, ये वाई से वाई थ्री कैंसिल, और वाई वन माइनस वाई वाई टू मिल जा रहा है। अब ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वाई वन कैंसिल, यहाँ पर वाई टू, वाई टू कैंसिल, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे वाई वन से वाई वन कैंसिल और वाई टू से वाई टू कैंसिल। अब जब आप डायरेक्टली इसकी यहाँ पे बनाएंगे तो एक सिंपल सा इक्वेशन मिल जाएगा आपको, हाफ यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, हाफ एक्स वन लिखेंगे तो एक्स वन बचेगा कौन कौन, वाई टू प्लस वाई थ्री, वाई टू प्लस वाई थ्री, माइनस में बचेगा क्या, हाँ माइनस में ही तो बचेगा, तो वाई वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है। और जब आप एक्स टू लेंगे तो एक्स टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई थ्री माइनस वाई वन, क्यों, वाई थ्री माइनस वाई वन, ठीक है। और जब आप लिखेंगे एक्स थ्री, जब लिखेंगे तो एक्स थ्री में क्या बच जाएगा, वाई वन माइनस वाई टू, यहाँ पे माइनस समझ में आया, क्योंकि ये दोनों आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों में आ जाना माइनस, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया प्रूफ हो गया। नहीं समझ में आएगा एक बार आप दो बार अपने से आप रिवाइज कर लेंगे, देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो जैसे क्या है कि अब जैसे कि आपको प्रूव करवाया है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे कैसे निकालते हैं, आप उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं या तो डायरेक्टली फार्मूले पे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए 2 7 बी 3 माइनस 1 एंड सी माइनस 5 एंड 6 है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर निकालेंगे तो ए एक्स वन वाई वन है, मतलब आप देख सकते हैं कि एक्स वन इजक्वल टू 2 और वाई वन इजक्वल टू 7 है। यहाँ पर लिखेंगे तो एक्स टू इजक्वल टू 3, आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। आप इसमें वन बाई वन वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स वन कितना है, 2 है, तो 2। वाई टू कितना है, वाई टू 3 है। वाई थ्री कितना है, माइनस, तो वाई थ्री निकालेंगे तो वाई थ्री यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, ठीक है। एक्स टू कितना है, 3 है। वाई थ्री कितना है, 6 है। वाई वन कितना है, वाई वन 7 है, ठीक है। और आप जब एक्स थ्री निकालेंगे तो एक्स थ्री कितना है, माइनस 5 है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। और वाई वन माइनस करना है तो वाई वन कितना है, 7 है। और वाई टू माइनस 1 है, ठीक है, माइनस 1 है। यहाँ पे वाई टू कितना है, माइनस 1 है। तो आप निकालेंगे तो हाफ 2 इंटू ये 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस ये माइनस 5 है, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 3 प्लस 1 8 हो गया। तो हाफ माइनस 6 माइनस 3, ठीक है, प्लस ये करेंगे तो माइनस 5 इंटू 8, ठीक है। तो हाफ़ ब्रैकेट में ब्रैकेट तो रहेगा ही, हाफ माइनस 6 माइनस 3 माइनस 40, ठीक है, माइनस 5 इंटू 8। तो हाफ निकालेंगे तो माइनस 49, ठीक है। तो माइनस 49 अपॉन 2, सॉरी ये, हाँ, वाई टू कितना है, माइनस 1 था ना, तो माइनस 1 रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। और सब सही है, माइनस 14, तो यहाँ पर भी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 57 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 57 हाफ माइनस 57 माइनस 57 अपॉन 2। यहाँ पे ये इसलिए ना कहते हैं कि थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाता है दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा वाई टू इजकल टू माइनस 1 और एक्स थ्री इजकल टू माइनस 5 और वाई थ्री इजकल टू 6, ठीक है। तो आप सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, और उसके बाद ये फार्मूला याद कर लेंगे और डायरेक्टली इसमें पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से निकल जाए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोलिनियर पूछेगा, कोलिनियर का एक मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में सारे पॉइंट क्या करेंगे, एक ही लाइन में लाई करेंगे। तो जब ये कोलिनियर होगा ए बी सी, ठीक है, तो ट्रेंगल बन ही नहीं रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आप इस ये जो फार्मूला आपका निकलेगा, हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि एरिया बराबर है, तो यहाँ से 0 निकल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।